नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ जो है जुड़े हुए COVID-19 से। तो आप लोगों को पता होगा कि ये कोरोना महामारी में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है उनके लिए सरकार ने 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा सरकार ने किया है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, तो आप ये वीडियो देखकर आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं वीडियो में बताऊंगी आपको कार्य करना होगा, इसके द्वारा आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं 50,000 रुपये का। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि जो है जिस भी परिवार में कोई सदस्य मृत हुआ है वह इसका लाभ ले सकें। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो। इसमें है राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.inup.nic.in पर दिए गए आवेदन COVID-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता पर क्लिक करके आवेदन पर ऑनलाइन आप भर सकते हैं, भरा जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर जानकारियां भरनी होंगी। इसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP भरने के उपरांत आवेदन पत्र के अन्य कॉलम भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसके बारे में मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो मैं इसमें से 3-4 बताऊँगी, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। तो पहला है RT-PCR, इसकी यह आपके पास होनी चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, चिकित्सीय उपचार, चिकित्सीय जांच के प्रति जिसमें COVID-19 को डायग्नोस हुआ हो। और इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो है जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो वह वारिस हो उसकी सहमति पत्र होनी चाहिए। तीसरा है परिजन जिसे सहायता धनराशि प्राप्त करनी है उसके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी या क्रॉस चेक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हार्ड कॉपी पे आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं उनकी स्थिति में COVID-19 आहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में दिया जा सकता है, जिसके साथ यह अभिलेखों को भी संलग्न करना होगा। उपरोक्त जो मैंने अभिलेख बताए हैं उसको आपको इसमें संलग्न करना होगा। यदि किसी आवेदक या जो वारिस हैं को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत हो रही है, आवेदन पत्र पर दिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति है, तो आवेदक अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट है rahat.inup.nic पर शिकायत कर सकते हैं आप, अथवा इसे जो संबंधित जिला अधिकारी हैं उनको भी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जनपदों द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति COVID-19 मृत्यु विनिश्चयात्मक समिति है। इस समिति में कुछ लोग हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इस समिति में हैं। अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य, चिकित्सीय कॉलेज विश्वविद्यालय मेडिकल के सदस्य, और जिलाधिकारी द्वारा नामित विशेषज्ञ के सदस्य जो हैं उसमें जो है यह उसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने सूचना बताई आप लोगों को COVID-19 में जो लोगों का मृत्यु हुआ है ये उनके लिए था। तो यह जो काम है यह पंचायत सहायकों को दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है सजग हो जाइए, और इस पे आप लोगों के लिए भी आवेदक पत्र आएगा। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर है वह 1070 है, या
9454410 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। शेयर करते रहिए ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और उसका लाभ आप सबसे पहले लें। तो यह COVID-19 के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है, और आपका काम है कि यह जितने भी लोग इससे संबंधित आप यह सबके साथ सबके पास पहुँचाएँ ताकि सब इसका लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।